नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं स्पेशल 8/11। मैं हूं आपके साथ पूजा कविया। डेंगू और चिकनगुनिया ने हाहाकार पूरे प्रदेश में मचा रखा था, लेकिन अब डेंगू की वजह से एक 10 साल की बच्ची की मौत हो गई। ये तो बताने के लिए काफी है कि डेंगू के मच्छर ने हमारे सिस्टम को कितना बेकार बना दिया है। दरअसल प्रदेश में रहना बहुत मुश्किल हो चुका है। सड़क पर ट्रैफिक जाम, बारिश में नालियां जाम, अस्पतालों में सिस्टम जाम, इसी सिस्टम की लाचारी कहें या फिर बेरुखी, जिसकी वजह से एक घर का दीपक हमेशा के लिए बुझ गया। इसको लेकर आज हम खास चर्चा करेंगे कि आखिरकार इस सिस्टम को कैसे दुरुस्त किया जाए। लेकिन सबसे पहले रुख करते हैं एक बड़ी खबर की तरफ। एक बड़ी खबर इस बीच आ चुकी है, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की। सदर बाजार में एक लड़की बेसुध हालत में मिली, करनाल से बड़ी खबर। और लड़की के पैरों में बेड़ियां लगी हुई हैं। लड़की को बंधक बनाकर रखने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि उसके पैरों में बेड़ियां बंधी हुई है और बेसुध अवस्था में ये लड़की मिली है। लड़की को कल्पना चावला अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। तो करनाल के सदर बाजार की घटना सामने आई है, जहां पर एक लड़की बेसुध मिली है, बेसुध अवस्था में। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लड़की की हालत कैसी है। उसके पैरों में बेड़ियां बंधी हुई है, यानी कि उसके पैरों को बांधा गया है। अब इस वजह से अंदेशा लगाया जा रहा है कि शायद मामला लड़की के जो बेसुध होने का है वो यही भी हो सकता है। हालांकि अब उसको अस्पताल में एडमिट करवा दिया गया है, ट्रीटमेंट अब लड़की का किया जा रहा है। चलिए, बड़ी खबर के बाद बात अपने स्पेशल की करते हैं। जी हाँ, किस तरह से डेंगू के डंग की वजह से प्रदेश भर में हाहाकार मचा हुआ, इसको लेकर पहले आप एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इसी पर चर्चा करेंगे। लापरवाह सिस्टम, मजबूर आम आदमी, काल बन रहा डेंगू का डंक, हर जगह बुरा हाल। दिल्ली से लेकर हरियाणा में डेंगू और चिकनगुनिया ने कोहराम मचा रखा है। शायद जानलेवा मच्छर भी जान चुके हैं कि प्रदेश का सिस्टम किसी काम का नहीं है। तभी तो मच्छरों का तांडव जारी है और स्वास्थ्य विभाग की कोशिशें बेकार। दो बोतला उन्होंने सवेरे चढ़ाई, फिर उसके बाद उन्होंने शाम को कहना 3 बजे करीब आके भाई अपने छोकरे को ले जाओ, ठीक है। तो हम लेके अपने घर आएंगे, घर आके मेरे बेटे की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। उसके बाद उसका शरीर एकदम ठंडा पड़ गया। ठंडा पड़ने के बाद फिर मेरे को कहना पापा मेरे पेट में दर्द है। तो मैं कहा बेटा चल फिर मैं दोबारा ले जाता हूँ उसको। हम जितने लेके गए रास्ते में ही उसकी डेथ हो गई। तस्वीर में नजर आ रही इस मासूम के लिए डेंगू का मच्छर काल बनकर आया और सिस्टम को मुंह चिढ़ाते हुए हमेशा के लिए 10 साल के बंटी के सपनों को बंद आंखों में समेट दिया। जी हाँ जी, मेरे घर के बिल्कुल पीछे घर में एक बच्चे की डेथ हुई है और डेंगू की वजह से। 10 साल का वो बच्चा था, बिल्कुल भी फॉगिंग नहीं हुई। CMO साहब को भी मैंने फोन किया था फॉगिंग के लिए, एंड में कहीं वार्ड में क्या शहर में कहीं भी फॉगिंग नहीं हुई। स्थानीय लोगों का कहना है कि उनके इलाके में फॉगिंग तक नहीं की गई और गंदगी से बीमारियां लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में सवाल यही उठता है कि आखिरकार डेंगू चिकनगुनिया पर कब लगेगी लगाम, कब तक सिस्टम की खामियों का हर्जाना भुगतेगा आम आदमी। स्वास्थ्य विभाग कब होगा अलर्ट, और इस वजह से यहाँ कई चिकनगुनिया के मरीज भी कई हैं चिकनगुनिया के, और एक दो डेथ इस वजह से भी हो चुकी है। सिस्टम की बेरुखी की वजह से आज इस घर में मातम है। एक माँ चीख चीख कर सरकार से सवाल पूछ रही है कि आखिरकार उनके बच्चे का क्या कसूर था जिसके लिए सिस्टम काल बन गया। रिपोर्ट हरियाणा।
बीमार हुए हरियाणा की तस्वीर आपने देखी और ये तस्वीर बयां कर रही है कि प्रदेश की स्थिति इस वक्त कैसी है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि ये स्थिति आखिरकार क्यों है, क्यों डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया के मामले बढ़ रहे हैं जिसकी वजह से मौत भी हो गई। अब इस घर का चिराग बुझ गया, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या ये जिम्मेदारी प्रशासन लेगा, क्या ये जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग लेगा? इसको लेकर चर्चा आज हम करेंगे। संवाददाता से पहले तमाम जानकारी ले लेते हैं। सुमित हमारे साथ जुड़े हैं। सुमित, जैसे हमने देखा 10 साल के बच्चे की मौत हो गई, परिवार में कितना दुख है, अब क्या कह रहे हैं लोग, खुद परिवार वाले किसको जिम्मेदार मान रहे हैं? जैसे एक 10 साल के मासूम की जान गई है, कहीं ना कहीं परिवार जो है उसका रो रो कर बहुत बुरा हाल है, इतने गहरे सदमे में है परिवार, क्योंकि जो बच्चे के मासूम के पिता थे वो भी मजदूरी करके जो है माली का काम करके अपना गुजारा घर का गुजारा करते हैं, तो एक वो एक उनका जो घर का चिराग था वो डेंगू के चलते बुझ गया। उनका साफ तौर पर कहना था कि चाहे वो निजी अस्पतालों में जहां पर भी गए उन्हें वहां पर भी सही तरीके से नहीं इलाज बताया गया, और वहीं अगर इलाका पार्षद की बात करें तो उनका ये कहना है कि चिकनगुनिया और डेंगू जैसी जो बीमारियां हैं वो इलाके में फैलती जा रही हैं, चाहे वो निगम के अधिकारी हो या स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हो, वो कोई कुछ भी जो है इस पर करने को तैयार नहीं है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के पास जब इस बारे में बात की जाती है तो हर बार उनका यही कहना होता है कि अभी हमें इस मौत की जानकारी नहीं है और इसकी वो जांच करवाएंगे, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के जो दावे हैं बार बार ये कहने के कि हम इस डेंगू को लेकर अलर्ट है और इस तरीके की व्यवस्था की गई है, तो कहीं ना कहीं वो सारे जो है धराशायी होते हो रहे नजर आ रहे हैं। और डेंगू का जो डंक था उससे एक और मासूम की जो है यहाँ पर जान चली गई है, और फिलहाल जो वहाँ के इलाका पार्षद है उनका ये कहना था कि स्वास्थ्य मंत्री यहाँ पर कष्ट निवारण समिति की बैठक में आएंगे तो उस बच्चे की मौत का मामला जो वहाँ पर भी उठाएंगे और जो पीड़ित परिवार है उसको जो है स्वास्थ्य मंत्री से मिलवाएंगे। जी बहुत शुक्रिया सुमित अभ्रय आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो घर में बुरा हाल है, मासूम की मौत के लिए जिम्मेदार कौन, ये सवाल बार बार परिवार वाले भी पहुंच रहे हैं। चर्चा इसको लेकर हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ खास मेहमान डॉक्टर पंकज वत्स है, पूर्व निदेशक। डॉक्टर पंकज जी बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। लगातार हम डॉक्टर पंकज इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि डेंगू चिकनगुनिया मलेरिया पैर पसार चुका है, लेकिन व्यवस्था दुरुस्त क्यों नहीं हो पा रही इस खराब व्यवस्था के लिए, आखिरकार आम जनता क्यों हर जाना भुगते? देखिए एक्चुअली ये हर बार हर वर्ष इस तरह का प्रकोप आता रहता है, कभी इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है कभी कम हो जाती है, तो इसकी तैयारी बहुत पहले से की जानी चाहिए। और देखिए वायरल फीवर जो है वो एयरबॉर्न भी है और साथ में मच्छर द्वारा भी इस ये बढ़ रहा है, तो अगर मच्छरों के प्रकोप कर हम पहले से ही कंट्रोल कर लेते उसके जो लार्वा साइट्स हैं पैदा होने से पहले लार्वा साइड्स हम डाल देते जगह जगह पर, सफाई अभियान प्रॉपर हो जाता जैसा कि प्रधानमंत्री ने इच्छा जाहिर की है, अगर वो सारी व्यवस्थाएं ठीक से होती तो इतने ज्यादा संख्या में ये प्रकोप नहीं होता। अब क्योंकि वो तैयारी हमने की नहीं, वो तैयारी नहीं की, अब साफ सफाई हुई नहीं, मच्छरों का प्रकोप जारी रहा, अब वो इतनी संख्या में आ गए हैं कि वो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं जो है उसके सामने लच्छर महसूस हो रही है, छोटी बोनी महसूस हो रही है। मास एजुकेशन की भी इसमें आवश्यकता है, लोगों को ये समझाने की भी आवश्यकता है कि हर फीवर जो है वो चिकनगुनिया या डेंगू या हर चीज नहीं है। जागरूक करने की बात आपने सही की कि लोग भी जागरूक हों, लेकिन 10 साल के बच्चे की मौत हो जाती है, क्या इसे लापरवाही नहीं कहा जाएगा? नहीं, ये दुखदायी बहुत है, बहुत कष्ट देने वाला है कि आज के जमाने में जो सारी सुविधाएं उपलब्ध है, चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है, इसका इलाज किया जा सकता था, इसको इसकी जान को बचाया जा सकता था, हम जान नहीं बचा पाए, तो ये हमारी समाज की विफलता तो है ही जो एक मासूम को अपनी जान गुमा कर देनी पड़ी। बिल्कुल, और इसी वजह से सवाल कई उठ रहे हैं कि कब तक मच्छर राज इस प्रदेश में चलेगा और क्यों हम इस व्यवस्था को सही नहीं कर पा रहे हैं। डॉक्टर पंकज, डेंगू मलेरिया हमें पता है कैसी बीमारी है, कैसा वायरस है, जब मौसम चेंज होता है, सीजनल चेंज होता है तो ये ज्यादा आ जाती है, और ये सबको पता है कि बारिश के बाद मानसून के बाद ये खतरा मंडराता है। अगर हम पहले से ही एहतियात बरते तो क्या हम इसको कंट्रोल में नहीं कर सकते, क्या तब भी यही स्थिति रहेगी जो आज देखने को मिल रही है? नहीं नहीं, इसको कंट्रोल किया जा सकता है। अब बहुत सालों पहले मेवात के अंदर बहुत मलेरिया का मौत का तांडव हुआ था, उस समय डिस्ट्रिक्ट मलेरिया अफसर था, तो उस समय इतनी मौतें हुई थी, उस पर भी स्वास्थ्य विभाग ने पूरा जोर लगाकर तत्कालीन सरकार ने अभ्यास किए, मेवात में ही हमने वहां पर लैब्स खोलकर सारे स्टेट के लैब टेक्नीशियंस और बुलाकर मास लेवल पर उस पर कार्रवाई की, जब उसको रोका जा सका, और फिर कई सालों तक जो वो सारे सिस्टम इन प्लेस आए
तो कई सालों तक मलेरिया मुक्त रहा या बहुत मिनिमम डैमेज रहा मलेरिया का अम्बेवाद के अंदर। तो ऐसा नहीं है, अगर व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलें, प्लानिंग पहले से हो, तो इसको ना रोका जा सके, ये संभव ऐसा नहीं है कि ये संभव नहीं है। बिल्कुल डॉक्टर पंकज, मेवात की आपने बात की, पिछड़ा हुआ इलाका है, वहां व्यवस्था कैसी है सबको मालूम है, लेकिन गुरुग्राम साइबर हब, साइबर हिट कहलाती है, साइबर सिटी कहलाती है, उसके बावजूद भी यहाँ पर एक बेड पर तीन तीन मरीजों का इलाज हो रहा है। यहाँ के सिविल अस्पतालों के हालत देखिए, जब यहाँ भी व्यवस्था नहीं होगी, जब यहाँ भी तमाम चीजें नहीं होंगी लोगों के लिए, तो किस बात की फिर हम बात करते हैं आगे विकास की। एक्चुअली देखिए, सिविल हॉस्पिटल पिछले 20-25 साल से लगभग उतना ही है जितना 20-25 साल पहले था, और लेकिन पॉपुलेशन जो है वो मल्टीप्लाई हो गई है कई गुना, और उसके हिसाब से स्वास्थ्य सेवाएं, सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं विकसित नहीं हुई है, और जिसके कारण ये थोड़ी सी भी आफत आते ही जो है ना सारा सिस्टम कोलैप्स हो जाता है। बिल्कुल, अभी सेक्टर 10 में एक हॉस्पिटल बनाया, बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी है, बहुत हो सकता था वहाँ पे साधन संपन्न डॉक्टरों की कमियां हैं, तो वहाँ पे भी हम वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं करा पा रहे हैं जो उपलब्ध हो जाने चाहिए, जो कि बिल्कुल, अब तो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे देना है, डॉक्टर्स वहाँ पे देना है, स्टाफ वहाँ पे देना है, ऑलरेडी बिल्डिंग बनी हुई है, और कम से कम उस पर्टिकुलर सारे एरिया को ये शेयर कर सकते हैं, यहाँ जनरल हॉस्पिटल के वर्कलोड को वहाँ टेक केयर की जा सकती है, पर कहीं ना कहीं सिस्टम में कुछ ना कुछ इस तरह की खामियां हैं जो या तो आइडेंटिफाई करने से अधिकारी और जो है मंत्री और सरकार बच रही है, या आइडेंटिफाई करके भी उनको अनदेखा कर रही है। बिल्कुल, और कई सवाल उठ रहे हैं। विनोद जी हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी के पार्षद है। विनोद जी सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी, हाँ जी। विनोद जी, जिस तरह के हालत देखने को मिल रहे हैं, सरकार क्या कदम उठा रही है? डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, इतना ही नहीं एक मासूम की मौत हो जाती है 10 साल के, जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार तो बड़े अच्छे कदम उठा रही है अपनी तरफ से, सरकार जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सकती है सुविधा दे रही है, फोगिंग करवा रही है, सब कुछ। प्रमोद जी, अगर सुविधाएं मिल रही हैं तो एक मासूम बच्चे की मौत कैसे हो गई? अगर इतनी ही आप सुविधाएं दे रहे हैं तो अस्पतालों में एक बेड पर तीन मरीज का इलाज क्यों हो रहा है? मैडम देखिए, ये जो बच्चे की डेथ हुई है ये अभी पक्का नहीं है कि ये डेंगू की वजह से ही हुई है या इसको कोई और प्रॉब्लम थी। क्यों प्रमोद जी, आपके पास रिपोर्ट है क्या? आपने डॉक्टर से पूछा? आप कैसे कह सकते हैं कि अभी ये पूरे तरह से स्पष्ट नहीं हो पाया कि मौत किस वजह से हुई है, मौत के कारणों का नहीं पता अभी। मल्लेवासियों का कहना है, कई तो कहते हैं कि दो चार ने तो डेंगू की वजह से हुई है। प्रमोद जी, आप पार्षद हैं, आप क्या मोहल्ले वासियों की बातों में आकर इस तरह की बात कहेंगे? आप यहाँ पर न्यूज चैनल पर बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मोहल्ले वासियों ने आपको कहा कि शायद हो सकता है कोई और कारण हो, यानी कि स्पष्ट तौर पर आपको भी नहीं मालूम। मैडम, मैं भी कोई डॉक्टर तो हूँ नहीं जो उसकी रिपोर्ट पड़ी हुई हो मैंने, इसीलिए मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। आप डॉक्टर नहीं है तो आप इस तरह से इस मामले को मत कहिए। मौत जिस भी कारण से हुई, जिम्मेदारी विभाग की भी है, सरकार की भी है। क्या कर रही है सरकार? क्यों डेंगू चिकनगुनिया के आगे बेबस नजर आ रही है सरकार? नहीं नहीं, सरकार बेबस नहीं है, सरकार बिल्कुल अपना ठीक काम कर रही है, स्वास्थ्य मंत्रालय अपना बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि आप कर रहे हैं, लेकिन इस परिवार का क्या जिसने अपना चिराग खो दिया? प्रमोद जी जवाब। हम उस परिवार के खड़े हैं। क्या आपके, क्या आपके इलाके में अब सारी व्यवस्थाएं सही चल रही हैं? नहीं, फोगिंग कल से फोगिंग शुरू हुई है, काफी फोगिंग करवा दी गई है, बाकी आज स्टाफ लगा हुआ है जहाँ भी। बड़ी हैरानी की बात है प्रमोद जी, आप कह रहे हैं कि कल से फोगिंग शुरू हुई है, जबकि ये बीमारी बड़े लंबे समय से प्रदेश में पैर पसार चुकी है, और अब जब लापरवाही के मामले सामने आ रहे हैं, जब लोगों की मौतें होने लग गई, तो आप कह रहे हैं फोगिंग भी की जा रही है। आप पार्षद हैं, सबसे पहले जिम्मेदारी आपकी ही बनती है आपके इलाके के हालात को लेकर। मैडम जी, ये तो फोगिंग का काम है, ये नगर निगम का काम है, नगर निगम के अधिकारियों की जिम्मेदारी है। ठीक है, आप जिम्मेदारी एक से दूसरे पर डालते रहें और अपनी जिम्मेदारियों से बचते रहें। एक से दूसरे पर जिम्मेदारी डालिए, और जो आपकी जिम्मेदारी है वो कौन निभाएगा इसका जवाब मैं आपसे लूंगी। बने रहिए आप हमारे साथ, एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है, सीधा रुख उस बड़ी खबर का कर लेते हैं। ब्रेकिंग न्यूज, नरवाना में डेंगू का प्रकोप, देखिए एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं और इसी को लेकर हम चर्चा भी कर रहे थे। यहाँ पर माँ और एक बेटा समेत 4 लोग डेंगू की चपेट में आ गए हैं, जबकि 2 लोग हिसार के अस्पताल में उनको एडमिट करवाया गया है, तो एक मरीज को भटिंडा भेजा गया है। तो
डेंगू की वजह से एक तरफ एक 10 साल की बच्चे की मौत हो जाती है तो नरवाना में भी इसका प्रकोप देखने को मिल रहा है। माँ बेटी और उनके साथ ही कुछ और लोग हैं जो डेंगू की चपेट में आ गए। 4 लोग बताए जा रहे हैं, उनको अस्पताल में एडमिट किया गया है। यदि आप लालवट तेल मंगवाना चाहते हैं तो आप लालवट संस्थान में तो खुद फोन करके 011-4120-1100 पर लालवट तेल का ऑर्डर दे सकते हैं। खरीदते समय ढक्कन पर भी लालवट संस्थान आयुर्वेद प्राइवेट लिमिटेड अवश्य पढ़ लें। यदि आप कुरुची द्वारा लालवट तेल लेना चाहते हैं तो विशेष ध्यान रखें, बाजार में लालवट तेल नकली बिक रहा है। संस्थान द्वारा हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जब भी आप लालवट तेल खरीदते हैं उस पर लालवट आयुर्वेद संस्थान प्राइवेट लिमिटेड लिखा होता है, इसको अवश्य देख लें। खरीदते समय असली और नकली का विशेष ध्यान रखें। लालवट संस्थान में डायरेक्ट फोन करके भी मंगवा सकते हैं या ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए लॉग इन करें www.lalwat.com। हेलो जी, हो जाए। थैंक यू। पताका चाय, पताका चाय, गजब का स्वाद। आईसीएस कोचिंग सेंटर। बेरोजगारी से डरते क्यों हो, मैं हूं ना। आईसीएस कोचिंग सेंटर पिछले 8 सालों से सरकारी नौकरी पाने में एक भरोसेमंद नाम। अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हैं तो आप 2 दिन की ट्रायल क्लास ले लीजिए, आपको बेरोजगारी से मुक्ति का रास्ता मिल जाएगा। कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। दादा दादी का लक्ष्य हेल्दी लाइफ, मम्मी डैडी का लक्ष्य हैप्पी लाइफ, तन्नो मन्नो का लक्ष्य जीनियस लाइफ। श्रेष्ठता और शुद्धता आपका हक, हमारा लक्ष्य, लक्ष्य प्योर घी। एराबॉल लुब्रिकेंट्स, इंजन में भर दे दम। हरियाणा में इस बार छोटे सरकार जो बनी है वो पढ़े लिखों की सरकार बनी है। ऐसे में हम मोहना गांव पहुंचे हैं और वहां की जो सरपंच है रंजीत सिंह, उनसे जानते हैं कि गांव में क्या विकास के मुद्दे हैं। विकास के कार्य यहां शिक्षा का है, अपना स्वास्थ्य का है। मानकोर गांव के सरपंच राजेंद्र से जानते हैं, स्वास्थ्य केंद्र कितने हैं आपके गाँव में? एक भी नहीं है जी। अब हम पहुँचे हैं पलवल के अमरपुर गाँव। सर, क्या क्या विकास किए जब से आप सरपंच बने? हमारे गांव में जो विकास कार्य हैं अभी रुके हुए हैं, और हमारे गांव में एक तो बैंक होना चाहिए। कॉन्टिनेंटल रेसलिंग एंटरटेनमेंट पेश करते हैं हरियाणा में खली की खलबली। पहला इवेंट 8 अक्टूबर को गुड़गांव के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में शाम 6 बजे। दूसरा इवेंट पानीपत में 12 अक्टूबर को सेक्टर 13 और 17 के हुड्डा ग्राउंड में शाम 6 बजे। अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MTLR ग्रुप लेकर आए हैं MTK इंटरनेशनल स्कूल, हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MTK इंटरनेशनल स्कूल,
कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेजिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ एमटीके स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। एमटीके इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। कालबना डेंगू ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। प्रदेश में इस व्यवस्था के लिए जिम्मेदार कौन है? एक 10 साल के मासूम की मौत हो जाती है डेंगू की वजह से और उसके बाद भी हम ये कहते हैं कि ये मौत किसी और वजह से भी हो सकती है। सवाल ये है, जिस तरह से लोगों का ट्रीटमेंट हो रहा है, जिस तरह से ये बीमारी दस्तक दे चुकी है, हर घर में पैर पसार चुकी है, उसके लिए जिम्मेदारी तो लेनी ही पड़ेगी। डॉक्टर पंकज, जो आपने सुना पार्षद साहब को भी, वो किस तरह से टालमटोल करते हुए नजर आए, लेकिन आम लोगों का क्या? वो इस तरह की बीमारियों की चपेट में आके उनकी मौत तक हो रही है और हम कुछ नहीं कर पा रहे। हम बात करते हैं बहुत विकसित होने की, बहुत विकासशील होने की, लेकिन बावजूद उसके भी ये सब जो हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? आपके पास मैं आऊंगी, लेकिन इस वक्त डॉक्टर शिवेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं जो कि कार्यकारी पीएमओ है। डॉक्टर शिवेंद्र जी नमस्कार, सुन पा रहे हैं? नमस्कार जी। डॉक्टर शिवेंद्र, जिस तरह से हम प्रदेश की बात करें, डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया घर घर में दस्तक दे चुका है, आखिरकार स्वास्थ्य विभाग कब अलर्ट होगा? मौत हो जाती है 10 साल के बच्चे की और हम ऐसे ही सोचते रहते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सिविल हॉस्पिटल के अंदर और जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं इसमें स्पेशल वार्ड्स बनी हुई हैं डेंगू और चिकनगुनिया के लिए, और इन सारे जो पेशेंट्स हैं इनको फ्री मेडिसिन मिलती है और पेशेंट्स भी बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं। क्या डॉक्टर शिवेंद्र आपके पास तमाम सुविधाएं उपलब्ध है, क्योंकि गुरुग्राम की हालत तो हम देख रहे हैं, वहाँ तो एक बेड पर तीन तीन मरीजों का इलाज चल रहा है, कोई अलग से वार्ड नहीं है। शॉर्टेज बेड की शॉर्टेज जरूर है, ठीक है, लेकिन जो भी हमारे पास अवेलेबल बेड्स हैं उसके हिसाब से हमने स्पेशल वार्ड बना रखी है, उसके अंदर इनका पेशेंट्स का इलाज बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है। डॉक्टर शिवेंद्र जी, क्या डॉक्टर्स भी सफिशिएंट हैं? क्योंकि डॉक्टर्स की कमी से पहले ही प्रदेश जूझ रहा है और उस पर ये बीमारी आ गई। डॉक्टर्स की शॉर्टेज तो है, लेकिन हम कैजुअल्टी सर्विसेज, इमरजेंसी सर्विसेज ये बिल्कुल बेखूबी चला रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। गांव में और शहरों में फॉगिंग चल रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर शिवेंद्र जी। कांग्रेस से प्रतिक्रिया ले लेते हैं, केवल ढिंगरा जी हमारे साथ। केवल जी नमस्कार, सुन पा रहे हैं? हाँ जी, नमस्कार जी। केवल जी, एक मच्छर के आगे पूरा सिस्टम लाचार नजर आता है, प्रशासन जिम्मेदारी कहता है ले रखी है, सरकार कहती है तमाम सुविधाएं भी मौजूद है हॉस्पिटल्स में, फिर भी इस तरह की व्यवस्था। देखिए, ये जो बीमारी है, जो डेंगू है या चिकनगुनिया आजकल नया नाम आ गया, देखिए ये एक चीज जो है ये हर मौसम के अनुसार चेंज होता है और ये बीमारी आती है, लेकिन इसके लिए सरकार की व्यवस्था होना बड़ा जरूरी है, जो कि व्यवस्था सरकार कर नहीं पा रही। नए डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं कर पा रही, इलाके में जितने डिस्पेंसरीज है उनमें डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, तो ये चीज बढ़ रही है जिससे कारण मृत्यु और बच्चों को प्रॉपर टाइम पे अगर दवाई नहीं मिलना, ये बात आती है। तो ये बात, बहुत शुक्रिया केवल जी आपका। तो यहाँ पर सरकार को जिम्मेदार ही ठहराया गया है, लेकिन सरकार पर हम कब तक रोना रोते रहेंगे? डॉक्टर पंकज, आम लोगों को जागरूक के लिए भी आपसे जानना चाहूंगी कि टिप्स आप दें, ताकि कम से कम जो हम व्यवस्था की मार झेल रहे हैं लोग तो जागरूक रहें। देखिए, एक तो जो अभी जो डेथ हुई है उसके बारे में मेरा आग्रह रहेगा सिविल सर्जन महोदया से कि वो तुरंत वो टीम भेजकर उस डेथ का मेडिकल ऑडिट कराए, क्योंकि ये जानना भी जरूरी है कि वो मौत क्यों हुई। इसके बारे में हम खाली ये नहीं कह सकते, छोड़ सकते कि किसी कारण से हुई है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो उसका प्रॉपर मेडिकल ऑडिट इस डेथ का होना चाहिए। क्योंकि अगर मान लो सपोज वो डेंगू से या किसी और से मरा है, तो उसके आसपास के एरिया में जहां जहां उसका रहा है, तो वहां पर स्पेशल कंपेन चलाने की आवश्यकता है। बिल्कुल।
तो इसलिए इसका मेडिकल ऑडिट जरूर कराए। जहां तक फोगिंग की बात है, अब देखिए एक ये भी एक बहुत बड़ा आई वॉश जैसे है। ठीक। जैसे आपने देखा होगा जब प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत की कल्पना की थी और जब प्रोग्राम लॉन्च किया था तो बहुत बड़े बड़े नेताओं ने वो झाड़ू लेकर अपने फोटो खिंचाकर उसकी इतिश्री कर ली थी और समस्या वहां की वहां रही। उसका प्रकोप आज हम देख रहे हैं, मलेरिया, चिकनगुनिया और आपके वायरल फीवर्स के उसके रूप में सबके सामने प्रतिफलित हो रहा है। तो इसी तरीके से फॉगिंग का भी एक सिर्फ सोचा है, क्योंकि फॉगिंग सिर्फ जहां पर रिक्वायर्ड है वहीं पर फॉगिंग की जानी चाहिए। इसको मास लेवल पर फॉगिंग कराकर सिर्फ एक आई वॉश करने की बात है, संसाधनों का मिसयूज करने की बात है। फॉगिंग सिर्फ वहां पे होनी चाहिए जहां पर मलेरिया पॉजिटिव पेशेंट्स मिले या डेंगू पॉजिटिव पेशेंट्स मिले, उनका सुपरविजन करके वहां पर होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि फॉगिंग जो वो सिर्फ इंस्टेंट उसको मारता है, मच्छर को, जो बड़ा मच्छर है, जहां लारिसाइड है, जहां से यहां मच्छरों की खान पैदा हो रही है, बढ़ रही है, उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं रहता है। दूसरा, आपकी ओपन एरिया में होती है तो बेसिकली जो घर के अंदर मच्छर जो काटता है उसका फॉगिंग से क्या लेना देना, क्या संबंध है उसका। तो फॉगिंग, कृपया फॉगिंग का एक फॉल्स परसेप्शन समाज के सामने ना देखे, मेरी एरिया में फॉगिंग हुई है और मैं हमारा बचाव हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जो प्रिकॉशंस जो बार बार अखबारों के माध्यम से यानी कि डॉक्टर पंकज, लोगों को जागरूक होने की भी बहुत जरूरत है। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े और लोगों की जानकारी के लिए भी हमने बताया कि उनके लिए भी यहाँ पर जागरूकता होने की बहुत जरूरत है। हर बार सिस्टम को कोसने के बजाय अगर खुद भी आप जागरूक रहेंगे तो काफी सारी बीमारियों की चपेट में आने से बच सकते हैं। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।